उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसान आंदोलन के समय से समझौते को अभी तक अमल नहीं लाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थक मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के चलते किसान विरोधी कानून को रद्द किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार के आश्वासन पर आंदोलन को वापस लिया था और किसानों ने समझौते को अमल में लाने की मांग की थी, किंतु 9 दिसंबर को निर्णय के बाद अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी समझौते की दिशा में कदम न उठाने का कार्य किया है। मैं डॉक्टर रवि नागर किसान एकता संघ का प्रदेश प्रभारी हूं और हमारे मजदूर किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश सचिव हैं बड़े भाई राजीव शांत जी और ये सारे संगठन के पदाधिकारी हैं। क्योंकि हमें पता था कोरोना काल चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हमने मुख्य पदाधिकारियों को इसलिए बुलाया क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर देश का किसान आज इस केंद्र सरकार, निकम्मी केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मना रहा है। इन्होंने मजबूर कर दिया है किसान को। 9 दिसंबर को जो समझौता तय हुआ किसान आंदोलन को लेकर कि किसान आंदोलन की वापसी हो जाए, उसको लेकर जो समझौता तय हुआ कि जो भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे हुए हैं जिस राज्य में वो मुकदमे वापस होंगे, जो प्रमुख मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर कानून आना चाहिए, सरकार ने हमें वादा किया था कि हम इस पर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन आज तक उस कमेटी का प्रारूप भी संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं दिया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।